हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ेगी और प्रदेश की सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगी। अशोक तंवर आज कांग्रेस भवन में पांचों विधानसभा हलकों के कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे थे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों को लेकर तैयारी पहले से कर रखी थी, लेकिन अब एक महीना और समय मिल गया है, इसलिए हर बूथ और सेक्टर स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करके जीत हासिल करें। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए पूरे हौसले के साथ कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच में जाएं और सकारात्मक सोच के साथ लोगों को साथ जोड़ने का काम करें। वैसे तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आप सबको पता है 12 मई को हमारे यहाँ हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव होंगे और अभी भी ऐसा लगता है कि क्योंकि 45 दिन पहले तक भी सरकार जो है अपनी सरकार खुद गिरा करके दोबारा सरकार बनाने के लिए फिर प्रयास कर सकती है, यानी कि विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हो ये अभी भी संभावनाएं बनी हुई है। अगले 10 दिन तक इस तरह की संभावनाएं बनी रहेंगी, तो हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं और हमने पहले भी कहा कि आज चाहे वो देश की मोदी सरकार हो चाहे प्रदेश की खट्टर सरकार हो, पूरी अर्थव्यवस्था इन लोगों ने बर्बाद कर दी और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जैसे दूसरे प्रदेशों में ये कहा है कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, वैसे ही हम लोगों ने पिछले दिनों राहुल जी ने मुख्यमंत्री CLP लीडर पूरे देश के PCC प्रेसिडेंट उनके एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमने बात ये रखी कि किसान के कर्जे माफ़ करना, क्योंकि किसान आज बोझ तले हैं, बहुत दयनीय स्थिति उसकी है, आत्महत्या करने पे मजबूर है, इसलिए उसके तो कर्जे माफ़ होने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ खेती और मजदूर आदमी जो है गरीब आदमी जिनके 50,000 1,00,000 रुपए तक के कर्जे होते हैं वो भी सरकारों को माफ़ करने चाहिए। और हरियाणा हमने कहा था कि पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर हम किसान के साथ साथ गरीब लोगों के भी कर्जे माफ़ करेंगे। BPL सूची में जो त्रुटियां हैं वो भी हमने कहा है कि उसको भी दोबारा ठीक करवाने का काम करेंगे। गुड़गांव के अंदर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसको बेचने की तैयारी थी, एक 10 एकड़ का प्लॉट है हाईवे पे, उसके अंदर 30 साल पहले वो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं इसको नहीं लूँगा, दोबारा उसको रिज्यूम करवा करके, क्योंकि आज 1,000 करोड़ रुपए की वो ज़मीन है। तो जो सरकार कहती है, और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं, कहीं माइनिंग का स्कैम, 3,00,000 करोड़ का माइनिंग का घोटाला इन्होंने किया है। यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते थे, नहीं तो यहाँ भी सिरसा के अंदर तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया और जो बड़े प्रोजेक्ट थे उससे वंचित रखा। अब समय आ गया है जवाब मांगने का। अब इनेलो से भी जिसको इस इलाके ने सांसद दिया, 8 विधानसभा की सीटें दी 2014 के अंदर, 2009 के अंदर भी सांसद तो मुझे जिताया, लेकिन उस समय भी अगर विधानसभा की हम बात करें तब भी उनको वो था। और आज वो जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उससे पूछना चाहते हैं कि एक भी बड़े प्रोजेक्ट का क्या वो नाम बता सकते हैं, भाजपा वाले या इनेलो वाले, जो पिछले 5 साल में उन्होंने शुरू करवाया या शुरू करवा करके उसका कंप्लीशन किया हो। और ऐसी सरकार को उखाड़ने का हम सब लोगों को मिलकर के आने वाले दिनों में प्रयास करना है। और सिरसा की जनता, हरियाणा की जनता, भाजपा इनेलो उनकी जो दूसरी ओर टीम में तैयार होगी है उनको उखाड़ फेंकने का काम लोकसभा में करेगी और 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता जिता करके आगे राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने ये 23 मई को सुनिश्चित होगा। मेरे को तो पार्टी कहेगी तो मैं लड़ूंगा। मैं उनमें से हूँ जो आवेदन नहीं करता। मैं तो वैसे ही पार्टी अगर लड़ाएगी तो हम कह देंगे ठीक है जी हम तैयार हैं, और नहीं लड़ाएगी तो सब 10 की 10 पे काम करूँगा।